नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। तो आज मैं आपके सामने फिर से नई रेसिपी लेके उपस्थित हुई हूं, एग बिरयानी, जो बहुत ही आसानी से बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में घर पे बन जाते हैं, बहुत ही हेल्दी, बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल और ढाबा से भी अच्छा और कम समय में। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएंगे इस तरह से बनाने में। बहुत ही सिंपल तरीका है बनाना और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। घर में बच्चे या बड़े कोई डिमांड करें कि फटाफट कुछ अच्छा सा खिलाओ, तब एक बिरयानी बनाकर फटाफट खिला सकते हैं, बहुत ही कम समय लगता है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि एक बिरयानी फटाफट कैसे बनते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से। तो बिना स्किप किए हुए मेरा पूरा वीडियो आप देखें। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आज आपको कि एक बिरयानी कैसे बनते हैं फटाफट बहुत ही आसानी से। इस तरह एक बिरयानी बनाने के लिए चलिए मेरे साथ, मैंने यहाँ पे इसे सर्व किया है इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ और गार्निश किया धनिया से। मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, आप देख सकते हैं लिंक पे जाके। आप इसे दही के साथ या रायते के साथ या सलाद के साथ किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगते हैं। या ऐसे भी खा सकते हैं जैसे आपको मन हो, यह हर किसी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको एक बिरयानी बनाना। तो चलिए आज मैं एक बिरयानी बना रही हूँ फटाफट कुकर में। उसके लिए मैंने 6 अंडे ले लिए हैं, उसे बॉयल कर लिया, ऐसे बीच से कट कर दे रही हूँ। मैंने कुकर में बॉयल किया है, एक सीटी लगाकर मैंने गैस को ऑफ कर दिया और जब इस कुकर का गैस निकल गया तो मैंने इसे छील लिया है, देख रहे हैं ठंडा होने पर। मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जाके आप देख सकते हैं कि एक कुकर में फटाफट कैसे उबलते हैं। तो मैं इसे बीच से कट कर दे रही हूँ चारों तरफ से ताकि अच्छे से इसमें मसाले घुस जाए। तो सारे अंडे को मैं ऐसे ही कट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक कुकर ले लिया है और उस पर चढ़ा दिया गैस पे। कुछ मैंने मसाले लिए यहाँ पे, जैसे धनिया पाउडर है 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 तेज़पत्ता है 2 से 3, जीरा है 1/2 चम्मच, लौंग है 4, दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और हरी मिर्च मैंने बीच से कट करके 4 ले लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने कुकर में 4 यहाँ पे मैंने लिया है, फिर प्याज 2 मीडियम साइज़ के, उसे भी काट लिया बारीक, और यहाँ पे 2 टमाटर लिया है, ऐसे ही बारीक काट लिया, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने पहले ही छान लिया है। तो गरम खूब तेल में डालकर मैंने इसे छाना था। अब मैंने कुकर चढ़ा लिया गैस पे, कुकर गर्म हो गया है, उसमें मैंने डाला है 4 चम्मच तेल। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी और डाल के मिला दूँगी मैं अच्छे से। अब मैं इसमें जो मैंने अंडे कट करके रखे थे उसे डाल दूँगी, देख रहे हैं, इसे बॉयल होने के लिए, फ्राई होने के लिए। तो देखिए मेरे अंडे कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। क्योंकि कुकर में मैं बना रही हूँ बिरयानी, इसलिए सारे काम मैं कुकर में ही करूँगी। अंडे को मैंने बीच से इसलिए कट किया है कि इसमें मसाले तो अच्छे से जाएंगे ही और साथ में ये फूटेगा नहीं। अक्सर लोग की शिकायत होती है कि अंडे फ्राई करने में फूट जाते हैं, जिससे जलने का खतरा रहता है। तो इस तरह से कट कर देने से फिर फूटता नहीं अंडा। देखिए मेरे अंडे फ्राई हो गए हैं, मैं इसे निकाल लूँगी कुकर से। अब जो बचे हुए तेल है उसमें मैं डाल दूँगी 3 तेज़पत्ता, जीरा, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सभी को डाल दूँगी और मैं जीरा को चटकने दूँगी, देख रहे हैं। तो देखिए जीरा मेरा चटक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के काट के रखे थे, इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च जो मैंने कट करके रखे थे बीच से, दोनों को अच्छे से मिला दूँगी। प्याज मेरा हल्का लाल हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 चम्मच छोटी चम्मच से लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी मिला लूँगी और इसका कच्चापन दूर होने तक इसे भी मैं भूनूँगी प्याज के साथ। देखिए प्याज लहसुन अदरक लगभग मेरे पक चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, इसे भी मिला दूंगी और इसे मिलाने के बाद मैंने जो मसाले लिए थे उसे भी डाल दूंगी और साथ में मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है। इन सभी को एक साथ में डाल दूंगी, देख रहे हैं, सभी को मैं मिला दूंगी अच्छे से। गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूंगी
और टमाटर गलने तक मैं पकाऊंगी इसे। मसाले मेरे अगर ये सब चिपक रहे इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच के लगभग पानी ऐड कर रही हूँ ताकि चिपके नहीं। मैं इसलिए ऐड की हूँ पानी कि मसाले में चिपक रहे हैं, चिपके नहीं, अच्छे से भुन जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बिरयानी मसाला, आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं। मैं 2 चम्मच के लगभग बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ, देख रहे हैं। इन सबको मैं अच्छे से भूनूंगी। इन सबको मैं तब तक भूनूंगी जब तक मेरे मसालों में से तेल सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक मैं भूनूंगी। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच दही लिया है इस चम्मच से। दही ध्यान रहे कि ज़्यादा खट्टी ना हो, फिर स्वाद गड़बड़ा जाता है बिरयानी का, इसलिए ताज़ी दही ले, मीठी। अब मैं इसमें कुकर को गैस ऑफ कर दूँगी क्योंकि मेरा कुकर ज़्यादा गर्म है, इसमें ऐड करूँगी तो दही फट जाएगा और स्वाद ख़राब हो जाएगा। मैंने कुकर को गैस बंद कर दिया, कुकर में मैं डाल दूँगी और मसालों में से अच्छे से मिला लूँगी। मिलाने के बाद फिर मैं गैस को ऑन कर दूँगी, देख रहे हैं मैंने मिला दिया अच्छे से। अब मैं गैस को ऑन कर दूँगी, देख रहे हैं ऑन कर दिया मैंने। अब मैं इसे भी पकाऊँगी थोड़ी देर। तो देखिए मेरे मसाले कितने अच्छे से भून गए हैं। मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे गैस को रखा था और 5 मिनट तक मैंने भूना है इसे। अब देखिए यहाँ पे मैंने चावल ले लिया है, ये कतरनी चावल है। इस गिलास से मैंने 2 गिलास चावल लिया है नाप कर। आप कोई भी सा चावल ले सकते हैं, बासमती या मंसूरी या कोई भी, लेकिन इस कतरनी या बासमती चावल का ज़्यादा अच्छा होता है बिरयानी। इसे मैंने 20-25 मिनट पहले धो कर रखा, उससे ज़्यादा देर पहले धो कर ना रखें तो अच्छा नहीं होता। मैंने 20 मिनट पहले से धोया है। अब मैं इसमें मेरा मसाला भून चुका है तो मैं कुकर में ऐड करूँगी पानी। ये 2 गिलास चावल है तो मैं 3 गिलास पानी ऐड करूँगी इसी गिलास से, देख रहे हैं इसमें डाल दूँगी मैं। डालकर मैं इसे मिला दूँगी मसालों को पानी में। देखिए मैंने मिला दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। चावल को मैं एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, देख रहे हैं। थोड़ा सा मैंने डाल दिया, वैसे मिला दूंगी। मिलाने के बाद मैं इसमें जो मैंने एग फ्राई करके रखा था उसे भी डाल दूंगी ताकि मसाले अच्छे से मिल जाए, और उसके ऊपर से फिर से मैं चावल डाल दूंगी बचे हुए। सभी चावल को मैंने डाल दिया। ये फटाफट कुकर में बन जाता है बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच घी। घी से बहुत ही अच्छा चावल खिले खिले होते हैं और स्वाद भी बहुत अच्छा आ जाता है, तो मैंने डाल दिया। और सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज जो मैंने फ्राई करके रखा था, उसे ऊपर से डाल दूंगी, देख रहे हैं। और डालने के बाद कुकर का ढक्कन मैं बंद कर दूंगी। गैस को मैं हाई फ्लेम पर रखूंगी, 1 सीटी आ जाएगा तो मैं गैस को बंद कर दूंगी, और जब कुकर का सीटी निकल जाएगा गैस तो मैं खोलूंगी और सर्व करूंगी। तो देखिए मेरा कुकर का सीटी निकल चुका है, कितना अच्छा तैयार हुआ मेरा बिरयानी, बहुत ही कम समय में, बहुत ही स्वादिष्ट। रेस्टोरेंट ढाबा होटल सबसे अच्छा और स्वादिष्ट, हेल्दी और बहुत कम समय में घर के इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो गया। तो चलिए मैं इसे सर्व करती हूँ। तो देखिए मेरा एग बिरयानी बनकर तैयार हो गया है। मैंने धनिया और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ इसे सर्व किया है, देख रहे हैं। मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी का वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो कितना जल्दी और आसानी से घर पे एग बिरयानी बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल हेल्दी। घर में बड़े या बच्चे कोई भी अगर बोले कि फटाफट मुझे कुछ अच्छा खिलाओ, तो आप ये बनाकर खिला सकते हैं कम इंग्रेडिएंट्स में और हेल्दी, घर पे बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबा से भी अच्छा। तो इस तरह से बनाकर ज़रूर आप खिलाएं, अपने बड़े बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।